ड्रग्स पर बॉलीवुड में स्टार वॉर है, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सुशांत की मौत से शुरू हुई ड्रग्स की कहानी अब बड़े बड़े सितारों के नाक की लड़ाई में बदल चुकी है। पूरा बॉलीवुड बट गया है। कुछ लोग जया बच्चन के साथ हैं, कुछ कंगना की तरफ से हल्ला बोल रहे हैं। आज तक में से एक घंटे में बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गजों को आपके सामने हम लेकर आएंगे। अब से लगातार 8 बजे तक आपके सामने होंगे फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े चेहरे। बने रहिए लगातार आज तक के साथ। शुरुआत करते फिल्म इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी से, जो खुद बीजेपी की सांसद भी है। इस वक्त हेमा मालिनी जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हेमा जी, आज तक में आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस ढंग से ड्रग का मामला बॉलीवुड तक पहुंचा है, कि बॉलीवुड में ड्रग का काफी प्रचलन है, पिछले काफी साल से फिल्म अभिनेता और ड्रग लेते हैं और सर्विस भी की जाती है, ड्रग पार्टियां की जाती हैं फिल्म स्टारों के द्वारा, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, ये जो ड्रग की बात आप लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे बॉलीवुड में है, इट इज ऑल ओवर एवरीवेयर, जिसकी वजह से उसका असर यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर जया बच्चन जी और रवि किशन जी ने जो भी मुद्दा उठाया, उसमें आपस में लड़ने की बात है ही नहीं। दोनों का मकसद यही था कि जो बॉलीवुड के विषय में जो बात किया जा रहा है, गलत कहा जा रहा है, गंदा कहा जा रहा है, वो उसको रोकने के लिए कोशिश है। इसको बड़ा चढ़ा के कुछ और बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों हमारे बॉलीवुड से हैं और मैं भी बॉलीवुड से हूँ, एंड वी ऑल लव बॉलीवुड। बॉलीवुड ने हमें नाम, शोहरत, इतना कुछ रेस्पेक्ट इतना दिया है कि उसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। पूरा वर्ल्ड में इतना पॉपुलर है बॉलीवुड, बॉलीवुड के गाने के लिए पीछे पड़ते हैं लोग, फॉरिनर्स दे लव एंड इतना एडमायर करते हैं हमारे आर्टिस्ट को, हमारे सेलिब्रिटीज को इतना पसंद करते हैं। यूनिवर्सिटीज में हमारे बॉलीवुड के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। देर आर सो मेनी फेस्टिवल्स आर डन इन द नेम ऑफ बॉलीवुड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इतना पॉपुलर एक इंडस्ट्री है, इसको इतने आसान तरीके से इसको बदनाम करने की जो कोशिश किया जा रहा है, वो मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दैट इज व्हाट माय मेन थिंग इज, आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू। पर हेमा जी, कुछ चीजें सामने आई हैं और रवि किशन जी ने भी यही कहा कि पिछले कुछ सालों से बॉलीवुड में ड्रग का प्रचलन बढ़ा है। इवन जो फिल्म स्टार्स पार्टियां करते हैं, उसमें भी ड्रग्स सप्लाई की जाती है, ड्रग्स सर्व की जाती है। जबकि जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, शर्म की बात है। तो आप जया बच्चन की बात से इत्तेफाक रखते हैं, रवि किशन की बात से इत्तेफाक रखते हैं, दोनों में कौन सही है? अभी मैं आई एम नॉट ए जज और एनीवन टू से कि कौन सही है कौन गलत है। दोनों का इरादा यही था कि ये हमारे बॉलीवुड का बदनाम ना हो। अगर ये ड्रग का जो हो रहा है, जो हर जगह हो रहा है, हर जगह होने की वजह से उसका असर डेफिनेटली बॉलीवुड में भी जो पड़ा हुआ है, उसको हटाना चाहिए, निकालना चाहिए उसको जल्द से जल्द। जो इट इज नॉट एंटायर बॉलीवुड इज बैड, एंटायर बॉलीवुड सच अ ब्यूटीफुल, इट्स एन आर्ट एंड कल्चर का एक इंडस्ट्री है, इतने लोगों को वो जॉब देता है। हाउ मेनी पीपल आर लिविंग ऑन दिस बॉलीवुड, ऐसा इंडस्ट्री कहाँ है और कहीं है नहीं। इतने सच अ ब्यूटीफुल ग्लैमरस एंड अ वेरी ब्यूटीफुल डिग्निफाइड इंडस्ट्री है ये, इसको बदनाम इतने आसान तरीके से जो करना चाह रहे हैं, और जिसका ये जो आजकल जो सिचुएशन चल रहा है, जिसको सामने रखते हुए इसको बदनाम करने की कोशिश जो किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। इसको मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि सो मेनी आर्टिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सच इन अ बिग वे फॉर आवर इंडस्ट्री। आप उस जमाने से देखिए, कितने सालों से मैं भी हूँ इंडस्ट्री में, जो दिलीप साहब, राज साहब, देवानंद, धर्मेंद्र जी, अमिताभ बच्चन, ऐसे बड़े बड़े कलाकार इस इंडस्ट्री में रहकर इतना नाम बनाया है, इतने लोग क्रेज हैं। किस लिए क्रेज हैं? तो फिल्म के बगैर कुछ चल सकता है क्या इंडिया में? एवरीबडी वॉन्ट्स एंटरटेनमेंट, सो दे ऑल गो टू सी द फिल्म्स, एंड दीज आर द पीपल हु मेड इट। एंड इसका एक डिग्निटी है, इसका एक प्योरिटी है। वो अभी आजकल जो ड्रग जो सिस्टम जो चल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी थोड़ा बहुत जो आया हुआ है, उसको हटाना बहुत जरूरी है। मैं सरकार से भी यही प्रार्थना करूंगी कि जल्द से जल्द इन सब चीजों को ठीक कर दिया जाए। That is all I have to say. मुझे और ज्यादा कुछ बोलना नहीं, लेकिन बॉलीवुड का बदनाम मत करो जी। हेमा जी, आप करीब 50 साल से इस इंडस्ट्री में हैं,
क्या आपके जमाने से ये ड्रग चलता था या अभी कुछ सालों से प्रचलन बढ़ा है बॉलीवुड के अंदर? कभी हमने कभी सुना ही नहीं ड्रग के बारे में, ड्रग के विषय में कोई जानता भी नहीं है। हम लोग इतना हार्ड वर्किंग पीपल, वी आर ऑल वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। दो दो तीन तीन पेज का डायलॉग दिया जाता है तो हम लोग एक सेकंड में उसका याद करके बोलते हैं, अगर आप ड्रग करते हैं तो इज इट पॉसिबल टू डू ऑल दिस थिंग, ये कर सकते हैं? अपने आप को खूबसूरत दिखाना है तो क्या ड्रग हो या इवन ड्रिंक्स करो तो कर सकते हैं? वी ऑल हैव ए वेरी डिसिप्लिन्ड लाइफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड ए प्रॉपर लाइफ, प्रॉपर एक्सरसाइज करो एंड योगा करो एंड देन ओनली यू कैन लुक गुड। यू सी द आर्टिस्ट ऑन द स्क्रीन, दे आर लुकिंग ब्यूटिफुल, सो मेनी गर्ल्स आर लुकिंग सो प्रिटी, हाउ दे आर लुकिंग? इफ दे टेक ड्रग डू यू थिंक दे कैन लुक नाइस? इम्पॉसिबल। ड्रग जो टेस्ट करना चाहते हैं, जो ट्राई करना चाहते हैं, ट्राई करने के बाद उसकी आगे की जिंदगी क्या है? कुछ नहीं है, बर्बाद है ड्रग के बाद। तो दिस उसमें जाना ही नहीं चाहिए, और हमारे इंडस्ट्री में कभी ऐसा हुआ ही नहीं जब तक हम लोग थे, तो इट वॉज अ वेरी नाइस इंडस्ट्री विथ फुल ऑफ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुली सारा काम होता था। आप या म्यूजिक देखिए या कैमरा वर्क देखिए, और जब व्हेन द स्टोरी इज बीइंग मेड यू देखिए, अब सब लोग मिलकर जो बनाते हैं, जो स्क्रिप्ट बनाते हैं, द डायलॉग लिखते हैं, इतना इंटरेस्ट लेके सब लोग मिलजुल के ये काम करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, एक एक कैरेक्टर्स को, एक एक स्टोरी को क्रिएट करते हैं। इस मामले में आप अगर ड्रग का अगर इसमें है जगह तो वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, दे कैन नॉट डू इट एट ऑल, इम्पॉसिबल। लेकिन हेमा जी, अभी भी आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, तो आपको लगता है कि आपके जमाने में नहीं तो अभी कुछ सालों से कुछ पूरी अगर इंडस्ट्री की बात ना करें, जैसे आपने कहा कि पूरी इंडस्ट्री को बदनाम नहीं करना चाहिए, कुछ एक लोग हो सकते हैं, तो ये आपने भी सुना होगा कि पिछले कुछ सालों से, जैसे रवि किशन ने कहा कि पिछले करीब 10 सालों से बॉलीवुड में ड्रग प्रचलन में आया है, तो आपने भी सुना होगा कि कहीं ड्रग कुछ लोग प्रचलित। देखिए कितने सालों से ये सब हो रहा है, आई हैव नो आइडिया, नथिंग, आई एम वेरी मच आउट ऑफ इट नाउ, बट मुझे इतना मालूम है अभी जो हाल ही में जो कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़कर निकल के आ रहा है सामने, अगर ये सच है तो अगर हमारे पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री जो 100% के जो है उसमें अगर 10-15% ये ड्रग्स का कुछ मामला है तो हट जाना चाहिए, निकाल देना चाहिए, ये दाग ना लगे, इस दाग को हटाना चाहिए। दैट्स ऑल, आई प्रे टू गॉड दैट आवर इंडस्ट्री विल सर्वाइव एंड इट इज अ ब्यूटिफुल इंडस्ट्री, हमेशा रहेगा इसे। बिल्कुल। और दूसरा, कंगना रनौत जो है उन्होंने भी कहा है कि बॉलीवुड में, क्योंकि वो कुछ सालों से इंडस्ट्री में आई हैं, तो उनका भी ये कहना है कि बॉलीवुड में ड्रग सर्व की जाती है पार्टियों में, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हो या दूसरे स्टार्स हो, उनकी पार्टियों में बिना ड्रग के कोई पार्टी होती ही नहीं है। अभी देखिए जो जाते हैं उनको मालूम होगा ना, हम लोग तो कहीं जाते नहीं है, तो आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग, सो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। एक सवाल हो रहा है हेमा जी, जिस ढंग से रवि किशन ने ये मुद्दा उठाया संसद में, उन्होंने कहा कि देश के साथ साथ बॉलीवुड में भी ड्रग पिछले कुछ सालों से आया है, उसकी सफाई होनी चाहिए, उसको सरकार को कार्रवाई करके, ताकि जो युवा पीढ़ी है, यंग पीढ़ी है, उन पे उसका बुरा असर ना पड़े। लेकिन जया बच्चन ने उनको ही टारगेट किया, क्या रवि किशन ने जो सवाल उठाया वो क्या गलत था? और जया बच्चन ने कहा कि जिस थाली में खाते हैं उसमें से छेद करते हैं, तो ये कहां तक वाजिब है रवि किशन को टारगेट करना? नहीं सुनिए, रवि किशन जी ने जो कहा सही कहा है कि वो कहते हैं कि वो जो युवा पीढ़ी को इफेक्ट ना करे, नॉट ओनली फॉर इन द बॉलीवुड, एंटायर हमारे पूरा देश में इसको निकाल देना चाहिए, तो हमारे सरकार को इसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आवर यूथ ऑफ आवर कंट्री, इट इज इम्पोर्टेंट। अभी जया जी ने उसको क्या मतलब लिया वो आई डोंट नो व्हाट इज द कंट्रोवर्सी, मुझे कुछ मालूम नहीं है इसके विषय में। बिल्कुल हेमा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ये मानेंगी, इस बात को एक्सेप्ट करेंगी कि बॉलीवुड में अगर कुछ नाम अभी सामने आए हैं, जो एनसीबी की जांच चल रही है कुछ मामलों को लेकर के, ड्रग के मामलों को लेकर, उसमें कुछ फिल्म स्टार्स के नाम आए कि ड्रग पार्टी हुई, वो पेडलर ड्रग पेडलर के संपर्क में थे, ड्रग पेडलर से ड्रग लेकर के आगे देते थे, कुछ बड़े नाम आए हैं सामने, तो आपको लगता है ऐसे नामों को उजागर किया जाना चाहिए और सफाई होनी चाहिए बॉलीवुड से, अगर ऐसे लोग धंधा करते हैं, ड्रग लेते हैं बॉलीवुड के अंदर? देखिए ये आई एम नोन टू से इट, ये सफाई तो होनी चाहिए, मैं बार बार वही तो कह रही हूँ कि पूरा इंडस्ट्री को बदनाम मत करिए, जो गलत काम कर रहे हैं उनको
दे शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स. और सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए हमारे इंडस्ट्री का नाम खराब ना हो, इसमें बहुत मैं जोर दे रही हूँ. एक सवाल और है हिमा जी, एक ये आरोप लगते हैं कि बॉलीवुड में नए लोगों को चांस नहीं मिलता, जो पुराने लोग चले आ रहे हैं जिनके परिवार हैं पहले से, वही लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, नए लोगों को चांस नहीं मिलता. कितना दम है इस आरोप के अंदर? अभी अभी आप बॉलीवुड माफिया, बॉलीवुड माफिया कहा जाता है. ये सब नया कुछ चीजें निकल कर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है. देखिए अगर एक्टर का कोई बच्चे लोग हैं वो एक्टिंग नेचुरली एक्टर ही बनना चाहेंगे, अगर उनमें टैलेंट है, अगर उनमें इतना मेहनत करने की स्टैम्प है उनमें बात, या एंड आल्सो द गॉड शुड गॉड्स लक शुड बी देयर, दे शुड हैव लक. इन तीन चीज मिलेंगे तो वो अपने आप आगे आएंगे. वो किसी प्रोड्यूसर का बच्चा हो, किसी एक्टर के बच्चे हैं या बाहर के हैं. दरअसल बॉलीवुड में ड्रग्स पर बहस की शुरुआत फिल्म अभिनेता और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने की. उन्होंने लोकसभा में मुद्दा उठाया जिस पर जया बच्चन आगे आग बबूला हो गई. फिर क्या देखते ही देखते पूरा बॉलीवुड उसकी चपेट में आ गया. इसी मुद्दे पर हमने बात की रवि किशन से, सुनिए. ड्रग्स बॉलीवुड को अपनी गिरफ्त में ले रहा है, ये पूरी जानकारी क्या आपको सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद आई? क्या वजह थी जो इस तरह से मुखर होकर आपने बोला, जया जी ने उस पर क्या बोला है उस पर बाद में आएंगे, वजह क्या थी ये मुद्दा उठाने की? अंजना जी, मैंने पिछले सत्र में भी आवाज उठाई थी, मुझे इसकी अवेयरनेस काफी सालों से है और मैं परेशान था, लेकिन जब मैं मुझे मौका मिला सांसद बनने का गोरखपुर का, तो और मैंने फिर ये आवाज़ उठाई. लेकिन अब जब सुशांत एक छोटे भाई के रूप में मेरे रहे, हमारे भोजपुरिया लड़का हम लोग का छोटा भाई था, मुझे हमेशा सर कहते थे, वो लड़के को मैं जानता था, वो जिंदगी देख रहा था, मौत नहीं देख रहा था, तो मुझे ये बहुत दुख हुआ. मेरी माँ भी रोने लगी कि एगो देखो बाबू एगो लड़का चल गए, उसको लगा कि हमको कुछ हो जाता, तो मुझे लगा कि बोलना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा, कहीं तो ये कमर तोड़नी पड़ेगी कि कौन सप्लायर है, कौन पेडलर्स हैं, कौन घुस गया है, कौन ये पार्टीज अटेंड कर रहा है, रेफ पार्टीज कहते हैं, और कौन इजीली अवेलेबल करवा दिया. जय जी जब आए, अमित जी जब आए, या मैं आए, अक्षय कुमार, अजय देवगन 90s में आए, तब ये नहीं था. ये अचानक 10 साल में ये अचानक एक केमिकल वर्ल्ड कैसे आ गया, जैसे एक बायो वेपन आया चाइना द्वारा कोरोना के रूप में, उसी तरह चाइना के द्वारा, पंजाब के रास्ते, पाकिस्तान के द्वारा, नेपाल के रास्ते एक बहुत बड़ी खेप आ रही है टू फिनिश अस, हमारी यूथ को खत्म करने, लार्जेस्ट इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो वर्ल्ड की, उसको खत्म करने. मेरी आवाज वो थी, जया जी ने सुना नहीं, उन्होंने व्यक्तित्व ही नहीं सुना, और मुझे उन पर उन्होंने बहुत एक गलत सा पलटवार कर दिया. जया जी तो आप पर एहसान फरामोशी का आरोप लगा रही हैं, वो कह रही हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं, जिस मुंबई से निकले हुए एक्टर हैं, वो मुंबई को बदनाम कर रहे हैं, ये उनका आरोप है. अंजना जी, कौन सी थाली, कौन सा खाना, कौन सा छेद, किसने रवि किशन को कभी, आपने सुना, आप भी देख रही हैं 30 साल से, 650 फिल्म के, कभी किसी ने हमको ब्रेक दिया, किसी फिल्म में हम लॉन्च हुए, ट्रेंड एक्टर, ट्रेंड डांसर, सब कुछ कभी नहीं, स्वयं भू रहे हैं हम, स्वयं को लॉन्च किया, एक बंद हुई भोजपुरी इंडस्ट्री को शुरू किया, समाज ने, मेरे समाज ने, देश की जनता ने मुझे स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, जब हम एक बिग बॉस में बोले तब देश ने वो नारा गूंजा और लोगों ने पसंद किया, फिर साउथ की इंडस्ट्री में गए, वहाँ लोगों ने पसंद किया, मुझे किसी ने ब्रेक नहीं दिया, मुझे किसी ने खड़ा ही नहीं किया कभी, मुझे किसी ने मेरी कॉलर को भी नहीं पकड़ा कि आओ बेटा खड़े हो जाओ, शायद मैं रीज़न नहीं ढूंढना, तो आज मुझे बड़ा दुख उस बात का हुआ. कौन सी थाली, कहाँ, किसकी, कौन सी थाली, कौन सी जिम्मेदारी की, एक जमींदार वाला शब्द लगा कि कोई जमींदार बोल रहा है कि थाली में खाए और छेद किए, कहाँ, किसने हमको एक रोटी नहीं खिलाई, हम तो लोग चल कर आते हैं, हम अंजना जी रेंग कर ऊपर आए हैं, मेरा इतिहास आप देखिएगा, पढ़िएगा कि कैसे एक हम अपनी लड़ाई, ये शब्द क्या थे. अगर चलिए थाली है, तो अगर उस थाली में ड्रग्स आ गया है तो मैं छेद करना चाहूंगा उस थाली को, अगर थाली में मेरे देश के युवा खत्म होंगे, मेरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो नहीं कर रहे हैं ड्रग्स, कुछ लोग कर रहे हैं, तो यस मैं इस थाली को छेद करूंगा. यस आई विल डू इट बिकॉज आई नो
फ्यू पीपल आर डूइंग, बट उन लोग काफी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कल उन्हीं के घर का परिवार के बच्चे आएंगे, उनके लिए एक ड्रग फ्री इंडस्ट्री रहनी चाहिए। देश के बच्चे आएंगे, आपके परिवार का कोई बच्चा आएगा, लेट्स हैव अ ड्रग फ्री कंट्री। क्या हम दे के जा रहे हैं, कुछ साल बाद हम लोग मर जाएंगे, बट क्या दे के जा रहे हैं? क्या ड्रग्स का एक प्लांट दे के जाना है ताकि वहां पे सब लोग एक बाइपोलर के शिकार रहे, डिप्रेशन के शिकार रहे, कमरा बंद करके अंधेरे में रहें और एक अलग अंधेरी दुनिया में रहते रहते एक दिन पंखे पे लपेट लटक कर मर जाएं? व्हाट आर वी लुकिंग एट, हम क्या देख रहे हैं और किस युग की तरफ जा रहे हैं? अगर ये साजिश दूसरों देशों की प्लानिंग है तो हम लोग इस साजिश के शिकार क्यों हो रहे हैं? लेकिन ये जो दुश्मनी आप मोल ले रहे हैं, ये सिर्फ जया बच्चन जी की आवाज सामने आई है, उसके बाद सोनम कपूर ने कहा मैं बड़े होकर जया बच्चन बनना चाहती हूँ, फरहान अख्तर कूदे उन्होंने प्रणाम किया, अनुभव सिन्हा सामने आए उन्होंने कहा रीढ़ की हड्डी इसे कहते हैं। ये जो आप रिस्क मोल ले रहे हैं दुश्मनी का, इसकी ताकत आपको भारतीय जनता पार्टी का सांसद होने की वजह से, या रवि किशन तैयार है और किस तरह से आप इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? क्योंकि इतना आसान नहीं है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री कह रही है कि आप और कंगना मिलकर बदनाम कर रहे हैं। रवि जी, मेरे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने गंदगी 2014 से साफ करना शुरू कर दिया है इस देश में। वो कचरे से लेके पाकिस्तान की बुराइयां से लेके चाइना की गंदगी, गंदी विचारधारा और अब ड्रग्स की गंदगी, तो हम लोग उनकी फौज है, उनकी सेना है। यस वी हैव टू क्लीन इट। ये नया भारत है, ये मोदी जी का भारत है, उसमें गंदगी आप लेके नहीं चल सकते, छिपा के ड्यूअल फेस हिपोक्रेसी के साथ नहीं चल सकते। और वो गलत है अंजना जी, जया जी जब आई थी तब ड्रग्स नहीं था, अमित जी आए थे तो नहीं था, मैं 90s में आया तो नहीं था। ये नया केमिकल वर्ल्ड आया है कि शून्य में जाएंगे, ये लेंगे तो एक अलग एक्टिंग मिलेगी, ये सब ड्रामे और करोड़ों हजारों का धंधा हो रहा है और बर्बाद हो रहे हैं लोग, खोखले हो रहे हैं। तो मैं अगर ड्रग फ्री इंडस्ट्री मांग रहा हूं, ड्रग फ्री कंट्री मांग रहा हूं, तो क्या बुरा मांग रहा हूं? या कंगना जी मांग रही है तो क्या बुरा मांग रही हैं? इट्स फॉर देम, फॉर देयर जनरेशन। कल मेरे बच्चे आएंगे, कल जया जी के परिवार के बच्चे आएंगे, तो क्या ड्रग के माहौल में आएंगे एक्टिंग करने? कि बहुत द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इससे बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। वी प्रोड्यूस 1000 फिल्म। ये कौन लोग हैं रवि जी, ये कौन लोग हैं? ये अगर आप कहते हैं कि एक पूरा केमिकल वर्ल्ड वहां एग्जिस्ट कर रहा है, जो युवा यंग एक्टर्स हैं वो उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, पिछले 10 सालों में ये हुआ है, ये कौन कौन है? क्योंकि पिछले दिनों कई लोगों के नाम आए, खुलासे हुए, ममता कुलकर्णी से लेकर कई सारे ऐसे फिल्म स्टार्स थे, फरदीन खान, जिन सबके नाम आए। कौन लोग हैं जो आज इस इंडस्ट्री में ड्रग्स को इतना आसान बना रहे हैं? पेडलर्स का रैकेट खुलेआम चल रहा है, कौन है ये लोग? अब ये पकड़े जाएंगे सी अंजना जी, एनसीबी इज देयर, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब, और सारे तह तक जाएंगे। एक भय आ गया, एटलीस्ट भय आ जाए लोगों में कि ये पाप है, ये अपराध है, ये देश में कानून आपको सजा देगा इसकी। ये भय, ये अवेयरनेस आ गई थैंक्स टू मीडिया, आप लोगों ने भी अवेयरनेस की। हम लोग अपनी यूथ को, आप अपने परिवार के बच्चों को भी अंजना जी सेफ देखेंगी। हम लोगों को ये भय लाना था कि ये अपराध है, ड्रग्स एक अपराध है, अगर अब इसका सेवन अपराध है, आपकी मौत तो हो रही है, लेकिन इसको हमारे देश में, भारत में, और जहां पर अब मोदी जी की सरकार है, यहां पर तो अब तो भैया मुश्किल है। तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, मेरी वही, मेरी लड़ाई और कुछ नहीं है, मेरी और मुझे, मेरा क्या होगा, मेरे को मुझे मार देंगे लोग, मैं पूरे माफियाओं से पंगा ले रहा हूं, इंडस्ट्री से ले रहा हूं, आई डोंट केयर। कंगना रनौत कह रही है कि आज मेरा घर टूटा है, कल उद्धव ठाकरे तुम्हारा घमंड टूटेगा। किस हद तक रवि किशन इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए तैयार है? आपकी हुंकार कहां तक जाएगी और कहां तक आप इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे? लोग सुन रहे हैं आज आप। अंजना जी, मैं आपके माध्यम से आपके तमाम दर्शक जो विश्व में देख रहे हैं, भारत में देख रहे हैं, हिंदुस्तान में देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं वचन देता हूँ, जब तक मेरी जान है, जब तक मुझ में शक्ति है, जब तक मैं ये लड़ाई लड़ सकता हूँ कि ड्रग फ्री मेरी इंडस्ट्री, मेरी फिल्म इंडस्ट्री जो जया जी की भी उतनी हकदार है, उसको ड्रग फ्री होना ही है, उसको जब तक नहीं कर दूंगा, क्योंकि हम लोग की बहुत बड़ी रीच होती है एक स्टार की, एक सुपरस्टार की, एक्टरों की, बहुत लोग भगवान की तरह मानते हैं। अभी आपने सुना बीजेपी सांसद रवि किशन को, जिनकी बातों पर इस वक्त
बवाल मचा हुआ है। अब आपको सुनाते हैं बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो को, जो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड के इस मामले में सियासत से नहीं जोड़ना चाहिए और ये भी भरोसा जता रहे हैं कि इन सब से जीतकर बॉलीवुड उभरेगा। बाबुल जी, जिस तरह से चीजें चल रही है उसको किस रूप में देखते हैं आप? खुद बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। देखिए, एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि संसद में भी जो लोग कह रहे हैं, जो माननीय सांसद बात कर रहे हैं, हम सब बॉलीवुड के हैं। अभी इसमें आप पॉलिटिक्स ये वगैरह मत ढूंढिए। मैंने सुबह भी लिखा था, अभी भी ये कह रहा हूँ कि जब क्रिकेट में ये बेटिंग का स्कैंडल जब ये एक्सपोज हुआ था, तो क्रिकेट का जो ग्रे एरियाज है जहाँ पे अलग अलग टाइप तरीके के लोग क्रिकेट को नुकसान पहुँचा रहे थे, वो आइडेंटिफाई हो गए थे, उसे प्रोसिक्यूट किया गया था, बैन किया गया था। इन द लॉन्ग रन क्रिकेट क्लेंज हो गया। आज बैटिंग करना उतना आसान नहीं है, वाडा उसमें इन्वॉल्व है, बीसीसीआई इन्वॉल्व है, आईसीसी इन्वॉल्व है, इट्स नॉट दैट ईजी। लॉट ऑफ चेंजेस, गुड चेंजेस हैपेंड, जिससे क्रिकेट जो है, क्रिकेट का गेम जो है वो जीत के उभर के सामने आया। सिमिलरली बॉलीवुड में एग्जेम्पलरी यू नो मोटिवेटर्स हैं जो बहुत डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं, करेक्ट टाइम पे एक्सरसाइज, खाना, सही पढ़ाई करना, स्टेज पे जाके ठीक से बात करना, सारी चीज़ें हैं। तो अगर ये बॉलीवुड के ग्रे एरियाज सामने आए हैं, जो सप्लायर्स है एनसीबी उस पर देख रही है, टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्रिमिनली प्रोसिक्यूटेड होंगे। जो सीरियल ऑफेंडर्स है उनको भी जिस तरीके से उनका कानूनी तौर पे जो होना चाहिए वो होगा। और मेरे ख्याल से लॉन्ग रन में जो ग्रे एरियाज अब जो सामने आया है, इससे बॉलीवुड का फायदा ही होगा और बॉलीवुड एंटरटेनमेंट आर्ट ये जीत की उभर के सामने ये आएगी, जैसे क्रिकेट के लिए हुआ था। सारे एक बास्केट में, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड देखिए, कोई भी वर्ल्ड देखिए, एक बास्केट में बहुत सारे संतरा के साथ, ऑरेंजेस के साथ, एक दो रॉटन ऑरेंजेस होता ही है। अच्छी बात यह है कि अब उसके ऊपर आप सब लोगों ने मिलकर लाइमलाइट डाला है, जो जो खराब ऑरेंजेस उसके अंदर छुपे हुए थे, अब उसके ऊपर भी लाइट गिरी है, तो वो उसे उसके साथ जो होना चाहिए क्रिमिनली वही होगा, प्रोसिक्यूशन होगा और बॉलीवुड जो है जीत के उभर के आई। पूरी बॉलीवुड को इस तरीके से टार्निश करना जो है, ये पॉलिटिकल चीज़ में मत जाइए। बॉलीवुड का एक हिस्सा होने के नाते मैं इसके साथ सहमत नहीं हूँ। क्लेंजिंग के लिए क्रश होना तो जरूरी है, और क्रश होने को लेकर लोग पर्सनल क्यों लेके चल रहे हैं? उनको संतोष होना चाहिए कि बॉलीवुड के क्लेंजिंग हो रही है। उसको ये कह रहे हैं कि जिस थाली में खा रहे हैं उसमें छेद कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं कि अगर थाली में सुराख है तो उसका पता रहना चाहिए? मैं किसी की पर्सनल टिप्पणी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं एक बॉलीवुड के हिस्सा होने के नाते मेरा एक दायित्व बनता है, आप लोग घर पे आए हैं, मैंने अपनी बात सुबह भी ट्वीट किया है, आपको भी ये बता रहा हूँ, जैसे एक ट्रायल बाय मीडिया कहा जा रहा है। तो हाँ, होता है कभी कभी, एवरीवन इज इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, बट मीडिया में कुछ ज़्यादा ही कभी कभी कुछ चैनल्स कर लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन ये भी सच है कि आप लोगों ने जिस तरीके का तहकीकात की है, जो हॉक आई आप लोगों ने, जो लाइमलाइट आपने रखा, मैं पहले ही कहा कि जो ग्रे ऑरेंजेस है, जो खराब ऑरेंजेस है, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उस प्रेशर में जो है बहुत सारे लॉन्ग रन में बहुत अच्छा होगा बॉलीवुड में, ये मैं आपको कह रहा हूं। तो आपने सुना बाबुल सुप्रियो, केंद्रीय मंत्री को, बॉलीवुड से भी नाता है इनका। ड्रग्स पर बॉलीवुड में स्टार वॉर पर हमारी ये खास पेशकश जारी है। बंगाल से बीजेपी की एक और फायर ब्रांड नेता और राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली ने भी रवि किशन की बातों से बहुत हद तक इत्तेफाक जताया है। रूपा गांगुली ने आज तक से कहा कि बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की जरूर जांच हो और जया बच्चन जी इसे सियासी नजर से नहीं देखें। रवि किशन ने कहा था कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है वो ड्रग रैकेट में फंस गई है। जया बच्चन कह रही हैं रवि किशन को कि वो गलत बात कर रहे हैं और जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में वो छेद कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया है वो थोड़ा सा पार्लियामेंट में सुनने में शायद सही ना लगे, लेकिन ये बहुत हद तक ये सच है कि फिल्म इंडस्ट्री की जो हालत है और कई दिनों से इसकी जो डिटोरिएशन हो रहा है, ये बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है और इस पर जिस किस्म की तहकीकत हो रही है वो होना चाहिए। लेकिन शायद वो शब्द थोड़ा सा ना बोलते बेहतर होता, शब्द कैसा भी हो मतलब तो ठीक ही है। जया बच्चन जी ने जो कहा है उनमें भी बहुत सारी चीज सच है। उन्होंने जो कहा है कि पूरी इंडस्ट्री खराब नहीं है, ये भी सच है, पूरी इंडस्ट्री खराब नहीं है, 100% सच है। लेकिन मैं जया जी को और उनके परिवार के ऊपर मेरा बहुत श्रद्धा है, मैं उनका मतलब वो अलग पॉलिटिकल पार्टी से जो भी हो, उनके हर बात से मैं सहमत नहीं रहती, वो भी हो, उनके
परिवार के सबके कुशलता दिमाग में रखते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हर वक्त इस तरह से पॉलिटिकली उनको भी नहीं देखना चाहिए, उनको भी ये सचमुच सोचना चाहिए, जैसे कंगना ने कहा, उनको भी सचमुच सोचना चाहिए कि अगर अपनों के साथ ऐसा होता तो कैसा लगता। ये कंगना ने अलग अलग नाम लेकर कहा है, अलग अलग नाम लेकर कहा, इतना कहा कि अगर कोई ड्रग्स लेता और उनकी जया बच्चन की बेटी अगर ड्रग्स लेती या अभिषेक बच्चन के साथ हरासमेंट होता और वो सुसाइड कर लेते तब क्या वो साथ खड़ी होती। ये तो कंगना ने जया बच्चन के लिए ट्वीट किया है। आप मुझे ये बता दो, हर एक इंसान यही पूछ रहे कि अपने परिवार के साथ, मैं आपको भी पूछ रही हूं, अगर आपके परिवार के साथ ऐसा होगा ना तो आप नीचे तक जाके तहकीकात करना चाहेंगे। वहां पे बॉम्बे इंडस्ट्री में बहुत खराब तरीके से नए बच्चों को जो बाहर से आते हैं उनको अपने एक ग्रुप बना के उनको वहां पे बैठाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, पिलाए जाते हैं, वो एक क्या बोलो, एक अजीब किस्म का गंदगी है। मैंने अपने आंखों से बहुत सालों से ये सब देखा है, मैं जानती हूं। मैं किस ऐसे ऐसे इन्विटेशन आते ना, जाओ ना तो डर के मारे भाग के आ जाओगे, लाल लाइट बना के रखे जाते, मैंने ये सब देखा है। तक आपने सुना बीजेपी से जुड़े नेताओं और कलाकारों को, अब आपको सुनाते हैं उर्मिला मातोंडकर को, जिनका कुछ वक्त के लिए कांग्रेस से भी नाता था। उर्मिला ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस शहर ने नाम दिया उस पर टिप्पणी गलत है, हालांकि उन्होंने संजय राउत के बयान को भी गलत माना। उर्मिला जी, सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत हम इससे करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या है कि आज की स्थिति में बॉलीवुड लगातार निशाने पर लगा हुआ है। शुरुआत मेरे ख्याल से इससे करना ज्यादा सही होगा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के तरफ से आज यहाँ पर बैठी नहीं हूँ आपके आपसे बात करते हुए। मैं एक भारत देश की नागरिक के तौर पर और जिस नागरिक को एक मिडिल क्लास बेसिक बैकग्राउंड से आकर अपना नाम शोहरत सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री से दिया मिला है, ऐसे नागरिक के तौर पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। नंबर वन, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत अरसे से चल रही थी और मैंने बहुत अरसे तक, अभी भी मुझे नहीं इसमें दिलचस्पी है कि मैं किसी पे टिप्पणी करूँ, लेकिन कुछ ज्यादा ही हद से बाहर चीजें चली गई है और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये जो गलत फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक तरह का उस एक चित्र सामने लाया जा रहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, एक ड्रग एडिक्ट से भरी हुई माफिया, ड्रग माफिया वगैरह वगैरह जैसे वर्ड्स जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसकी तकलीफ होगी। और ऐसे क्योंकि ये इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज में से एक है, हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी है। मुझे लगता है स्वतंत्रता के बाद भी सारे फिल्म मेकर्स ने, फिल्मों ने हमेशा यही देखा है कि देश की एकता, अखंडता, खूबसूरती ज्यादा से ज्यादा बाहर आए। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें फिल्म इंडस्ट्री पर बार-बार कहे जाना गलत लगता है। नहीं, लेकिन लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स का मामला निकल रहा है, क्या बुरा है कि अगर कोई ये कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स घुस चुके हैं और उसको साफ सफाई होना जरूरी है। रवि किशन कह रहे हैं, जो सांसद है गोरखपुर से, वो कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री ठीक रहे, मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का नाम अच्छा रहे और इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। कंगना रानावत कह रही है कि ड्रग्स के मामले में उनके पास बहुत सारी जानकारी है, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाया गया था और इसके लिए वो भी चाहती है कि बॉलीवुड की साफ सफाई हो। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री की अगर साफ सफाई की बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा ख्याल है कंगना जी का या रवि जी का, जो भी है। और ये तो मैं स्पष्ट रूप से मानती हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का। और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस
इसको खत्म करना कर जा किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही इंडस्ट्री है जिसे भारत देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बरस न्योता देके बुलाया था, जिसमें जाने माने लिरिसिस्ट प्रसून जोशी जी, करण जौहर जो फिल्म मेकर है, ऐसे कई जानी मानी फिल्म इंडस्ट्री हस्तियां मौजूद थी। और माननीय पंतप्रधान जी ने ये कहा था उस वक्त कि महात्मा गांधी जी के जो विचार है और सोच है उसे कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का साथ चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा कोई भी बड़ी चीज हो सकती है एक फिल्म इंडस्ट्री को इतने बेहतरीन तरीके से समझने की और उनको जो उनको मान्यता दी जानी चाहिए वो मिलने की। आप ये भूल रहे हैं कि बॉलीवुड मतलब चंद सितारे नहीं होते हैं, बॉलीवुड के अंदर कई लाख लोग काम करते हैं, आज बहुत बरसों से कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई ड्रग्स का शिकार है, या आप ये कहना चाहते हैं कि हर कोई इंसान 12-14 घंटे जो सेट पर काम करते हैं घर, उसके घर वाले बीवी बच्चे उसके पास ये देखकर समझे कि क्या ये भी ड्रग्स करके आया है? ये तो एक बहुत ज्यादती होती है हुई है बॉलीवुड के लोगों के साथ। मुझे नहीं लगता कि इसी तरह की बातें एक 2-4 लोगों के चलते सब इंडस्ट्री के ऊपर बात करना सही रहता है। इस पर जया बच्चन ने कहा कि जो जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, उस पर जवाब देते समय कंगना रनावत कह रही है कि मेरी थाली अलग है, मैं मेरी थाली के बारे में बात कर रही हूं। ये क्या चल रहा है? जया बच्चन, पहली बार हमने देखा कि जया बच्चन सामने आकर बॉलीवुड की के बारे में उनकी तरफ से पार्लियामेंट में बात कर रही है, और दूसरी तरफ कंगना रनावत उनका निषेध कर रही है, उनके खिलाफ बयान दे रही है, रवि किशन भी उसके बारे में बयान दे रहे हैं, ये सब क्या चल रहा है? जिन जया बच्चन जी के बारे में कंगना ने बात की है, बहुत दुख की बात है कि उनके बारे में उन्होंने इस लहजे से इस अंदाज में बात की है, क्योंकि मैं शायद उनको नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूंगी कि जब कंगना जी का जन्म भी नहीं हुआ था तब जया बच्चन जी ने मिली और गुड्डी और अभिमान जैसी फिल्में की थी, जिसमें से आधे से ज्यादा पिक्चरों की सेंटर पॉइंट वो रह चुकी है, जिसको कहते हैं कि फिल्म के जो जो टाइटल रोल में जया जी रह चुकी है, वो बहुत ही बेहतरीन अदाकारा है। और सबसे पहले तो वो इस देश की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड अदाकारा होने के बावजूद, अपार्ट फ्रॉम दैट, वो एक सीनियर लेडी है फिल्म इंडस्ट्री की। और मुझे लगता है किसी भी जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं उसके अंदर के किसी सीनियर कलीग के बारे में इस लहजे से बात करना, मुझे लगता है बाकी सब छोड़ दीजिए, मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के साथ नहीं जाता। हमारी जो संस्कृति, जो कल्चर है, हमारा जो संस्कार है, उनके साथ ये नहीं जाता। विरोध हो सकता है किसी को, मैंने खुद एक लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है, मुझे पता है किस तरह की टिप्पणियां, बहुत सारी चीजें मुझ पर बोली गई, लेकिन एक पॉइंट पर भी जाके मैंने कभी अपना आपा खोके किसी के ऊपर भी व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बातें या लांछन लगाने वाली चीजें नहीं कही हैं। बॉलीवुड माफिया के बारे में वो बात कर रही है, पूरी इंडस्ट्री के बारे में वो बात नहीं कर रही है, इंडस्ट्री सबकी है, सिर्फ बॉलीवुड माफिया के बारे में बात कर रही है, तो ये बवाल क्यों उठ रहा है? क्यों जया जी को या रवि या किसी और को इस बारे में सवाल खड़े करने का मौका मिल रहा है? क्योंकि जब कोई इंसान बार बार ये चीजें बोलते रहता है, और अगर वो माफिया 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 करके उन लोगों के नाम ही नहीं बताना चाहता है खुलकर, तो आदमी मैं जाने दीजिए, तो आपको नहीं लगता एक सामान्य आम आदमी भी ये सोचेगा कि भाई ये लोग है कौन, तो बताए तो गए? या फिर आपके अगर किसी के साथ ज्यादा दुश्मनी है, उस दुश्मनी को आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म पे लाकर इस तरह से लोगों के सामने पेश करना चाहती है, तो एक वो आपकी पर्सनल फाइट हो जाती है, तो उसके लिए आप इस तरह पूरी इंडस्ट्री को बदनाम करना सही नहीं होता। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बेहतर यही होगा कि जो लोग हैं जिनके नाम वो कहना चाह रही है वो जरूर कहे और उनके ऊपर कार्रवाई जरूर हो। मुझे लगता है सबसे पहले उसके ऊपर थम्सअप देने वालों में से मैं पहले हूंगी। उर्मिला मातोंडकर पूरी तरह से कंगना की बातों से इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर का मानना है कि अगर बॉलीवुड में ड्रग्स की गंदगी है तो फिर उसे जरूर साफ करना चाहिए। सुनिए ड्रग्स पर स्टार वॉर पर क्या कहना है मनोज मुंतशिर का। मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है, ये बात समझने के लिए कितना बड़ा दिमाग चाहिए, कौन सा रॉकेट साइंस है इतनी आसान सी बात समझना कि ये लड़ाई बॉलीवुड के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ है, ड्रग्स DRUGS। और अगर ड्रग संसद में पाए जाएं, मंदिर में पाए जाएं, मस्जिद में पाए जाएं,
दरगाह में पाए जाएं, बॉलीवुड में पाए जाएं, कहीं भी पाए जाएं, तो वो गैर कानूनी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्या आप मानते हैं बॉलीवुड में ड्रग्स हैं? वो एक हिस्सा बन चुके हैं उसका, जैसा ये इशारा कर रहे थे अभी कि हॉलीवुड में भी होता है, यहां होता है तो क्या हो गया? नहीं, होता है हॉलीवुड में, ये तो निहायत ही गलत बात है कि हॉलीवुड में होता है तो यहां भी होना चाहिए। मतलब आप समझ रहे हैं किन की बात कर रहे हैं रोहित जी? हम बात कर रहे हैं उन स्टार्स की जिनको हजारों लाखों लोग फॉलो करते हैं, झारखंड से लेके, बिहार से लेके, उत्तर प्रदेश से लेके, मेरे लखनऊ से लेके, हजारों लाखों लोग इन स्टार्स को देखते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनकी कहानियां पढ़ते हैं अखबारों में। ये जो एग्जांपल सेट कर रहे हैं कि है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, अगर थोड़ी वीड ले ली, ये तो मतलब भगवान की बूटी है, शंकर जी की बूटी है, इस तरह की बेहुदा बातें करके कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये लोग? अगर है, मैं नहीं जानता बॉलीवुड में ड्रग कितना है, मैं कभी किसी पार्टी का हिस्सा नहीं रहा हूं, मैं अपनी खुद की फिल्मों के म्यूजिक रिलीज में नहीं जाता, मैं उनके लॉन्चेस में नहीं जाता, मैं किसी पार्टी में नहीं जाता, मैंने नहीं देखा है अपनी आंखों से, लेकिन अगर ऐसा है तो इसको दुनिया में कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसको जस्टिफाई करने वाला कानून का दुश्मन है, देश का दुश्मन है, मेरे बॉलीवुड का दुश्मन है, मुझे अपने बॉलीवुड पे नाज है। और ये जो आपकी शिवसेना कहती है कि बॉलीवुड तो गंगा है, अरे भाई गंगा में गंदी मछलियां नहीं होती क्या? वो गंगा इसलिए पवित्र है क्योंकि उससे गंदी मछलियां निकाल के बाहर फेंकी जाती हैं। अगर आप इस गंगा की पवित्रता, इसकी शुचिता, इसकी प्योरिटी, इसकी एसेंस बनाए रखना चाहते हैं तो इस गंगा से गंदी मछलियां, गंदे घड़ियाल निकाल के बाहर फेंकिए, इसमें क्या इतराज है किसी को? क्या आप मानते हैं बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ है? एक वो है जो आप जैसे हैं, कंगना रनौत जैसे हैं, छोटे छोटे शहरों से आए हुए जिन्होंने अपने दम पर अपने मुकाम बनाए, एक वो है जो स्टार परिवारों से आते हैं जिनके नाम के पीछे सरनेम की वजह से वो स्टार बनते हैं और बचपन से स्टार की तरह पाले पोसे जाते हैं, और यही आपको और उनको अलग करता है। और ऐसे में कोई सुशांत हो जाता है तो उसकी परिणति वैसी होती है जैसी उसकी हुई। रोहित एक बात मैं कहूंगा, शायद मैं थोड़ा सा मुद्दे से हटूंगा, मुझे सिर्फ 30 सेकंड चाहिए एक बात कहने के लिए, क्योंकि आज मैं नेशनल टेलीविजन पे आज तक बैठा हुआ हूं, अगर ये अपील मैं आज यहां नहीं करूंगा तो कहां करूंगा? प्रॉब्लम इसलिए भी है ना कि हमारे सर पे किसी का साया नहीं है, हम लवारिस बच्चे हैं रोहित, हम यूपी वाले, बिहार वाले, झारखंड वाले, छत्तीसगढ़ वाले, हम अपना बस्तर टांग के और चालू डब्बे में बैठ के धक्का मुक्का खा के मुंबई पहुंच जाते हैं ताकि हम पे ज्यादती की जाए, जबकि हमारी इंडस्ट्री हमारे स्टेट में होनी चाहिए, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यूपी में होनी चाहिए, झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में होनी चाहिए, एमपी में होनी चाहिए। हमारी सरकारों को कभी ये ख्याल नहीं आया। पूरे भारत का आप नक्शा उठा के देख लीजिए, सिनेमैटिक मैप जिसकी बात मैं कर रहा हूं, देश के किसी भी कोने में जो सिनेमा है वो वहां की भाषा से जुड़ा हुआ है। तमिल फिल्में कहां बनती हैं? तमिलनाडु में, चेन्नई में। तेलुगु फिल्में कहां बनती हैं? तेलंगाना में। और हिंदी फिल्में कहां बनती हैं? महाराष्ट्र में। ये क्या बात हुई? हिंदी फिल्में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन सकती? उत्तर प्रदेश की भाषा को, हिंदी को उसका सिनेमा वापस लौटाए जाने का वक्त आ गया है, और ये जब तक नहीं होगा आप ऐसे हजारों जुल्मों सितम के लिए तैयार रहे, कभी कुछ खत्म नहीं होने वाला रोहित, आप ऐसे डिबेट्स और करते रहेंगे और ऐसी कहानियां बनती रहेंगी। मनोज जी अभी तो ये संस्कारों का बंटवारा, इसी पे इतना झगड़ा चल रहा है, आप तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बांट देने की बात कर रहे हैं कि भाई हिंदी वाला हिंदी का उठा के उधर ले जाए, इनको मराठी बनाने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं बांट नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, मैं खाली ये कह रहा हूं कि एक ऑप्शन हमारे लिए वहां भी खुला होना चाहिए। मैं जय महाराष्ट्र बोलने वालों में सबसे आगे हूं, ये महाराष्ट्र की धरती है जिसने 21 साल में अमेठी के एक लड़के को जिसके पास कुछ नहीं था, फट्टी चप्पलें पहन के इस शहर में आया था, आज इस लायक बनाया है कि मैं आपके सामने बैठ के आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूं। मेरा सर झुका हुआ है महाराष्ट्र के आगे, लेकिन साथ ही ये भी सही है कि हर किसी में, हर किसी के पास वो सुविधाएं नहीं है, हर किसी के पास इतने मौके नहीं है, और इतना उसके पास एक टाइम फ्रेम उपलब्ध नहीं है कि यहां आए स्ट्रगल करे और वो जूते खाए चप्पल घिसे। तो क्यों ना एक मौका दिया जाए कि आपकी भाषा को आपका सिनेमा दिया जाए, ये क्यों नहीं हो सकता? इसमें कौन सी मैंने ऐसी बात उठा दी जो कि इस लायक नहीं की जाए? अब तक आपने बॉलीवुड के तमाम दिग्गजों को सुना और देख भी रहा है कि इनकी राय बटी हुई है। अब आपको सुनाते हैं आज की एक और मशहूर एक्ट्रेस तापसी पन्नू को, जो ये मानती हैं कि कंगना की बातें पूरी तरह से सही नहीं है। ड्रग्स पर स्टार वॉर को लेकर सुनिए तापसी पन्नू की तीन बड़ी बातें। पहली बात तो उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहूंगी, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए। जिस इंडस्ट्री ने आपको इस मुकाम पे जो आपको लेकर आई है, जहां पे आप लोग आपकी बात सुनते हैं, आपको मानते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, आपको उन्होंने इतना बड़ा स्टार बनाया है, ये इंडस्ट्री ने आपको प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता तो शायद आप इतने बड़े स्टार नहीं बन पाते। तो उसी खातिर एटलीस्ट इस इंडस्ट्री को इतने गंदे और गलत तरीके से जो नीचे गिराया जा रहा है इस समय, आई थिंक मेरे को बिल्कुल वो गलत लगता है। हाँ, वो चंद लोगों के लिए आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री को एकदम गलत तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद
आपकी कॉन्शियस को कैसे अलाउ करता है, मुझे तो वही समझ में नहीं आती पहली बात। दूसरा आई थिंक एक सेम तरीके से हजारों लोगों को देखना, लाखों लोगों को देखना जो इस बॉलीवुड का हिस्सा है वो गलत होगी। कुछ लोगों की वजह से आप पूरे इंडस्ट्री को बदनाम नहीं कर सकते। ये किसने कहा कि अब डार्कर साइड सामने आ रही है? अरे आप अगर बॉलीवुड का रिकॉर्ड देखें तो फिल्म इंडस्ट्री के कितने कलाकार और कितने लोगों की कितनी कितनी क्राइम्स एंड ऐसे ऐसे केसेस जो सामने आए हैं, कितने तो सेंटेंस सर्व भी किए हैं जेल के अंदर, तो कोई नई बात नहीं है। गलत और सही लोग हर इंडस्ट्री में होते हैं, जिस तरह से बॉलीवुड में है, तो उसके अंदर ये कहना तो गलत होगा ना कि पूरी की पूरी बॉलीवुड ड्रग्स करने लग गई है। अगर आपके कुछ लोग खराब है, वो तो हर इंडस्ट्री में होते हैं ना, कौन सी इंडस्ट्री आके बोल सकती है कि नहीं। बात यह है कि जो लोग बोल रहे हैं वो उन लोगों को बड़ा स्टार माना नहीं जा रहा, और जिनको बड़ा स्टार मानना चाहते हैं वो लोग बोल नहीं रहे हैं। तो अब मैं उनका तो जिम्मा ले नहीं सकती हूँ कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। मेरे लिए जया मैम एक बहुत बड़ी स्टार है और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके हमारी इंडस्ट्री को डिफेंड किया है। आई थिंक वो बहुत बड़ा मोमेंट था, उनकी स्पीच देख के मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ट्वीट किया। अब बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं उसके लिए तो हमें लगता है कि अलग से एजेंसी बिठा देनी चाहिए कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। इतना इररिलेवेंट उनको लगता है ये, इस तरह की जो डिस्कशन हो रही है बहुत इररिलेवेंट लगती है, इसलिए नहीं बोलते। या फिर उनको लगता है कि मतलब कि इसका कोई, ये बहुत स्टूपिड डिस्कशन है, इसका कोई जवाब देना वो जरूरी नहीं समझते इसलिए चुप बैठे हैं। या फिर उनको लगता होगा कि थोड़ा टाइम इसके ये निकल जाएगा, जब इस तरह से लोग थक जाएंगे गालियां दे दे के बॉलीवुड को, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो या तो ये होगा उनकी चुप रहने का रीजन, मुझे तो कोई और रीजन समझ में नहीं आता। मेरा मन करता बोलेगा तो मैं बोलती हूँ।